अभी अभी बड़ी ताज़ा खबर आ रही है किश्तवाड़ इलाके से। किश्तवाड़ इलाके में अभी एक गोलीकांड हुआ है जिसके अंदर दो लोग जो कि दोनों बीजेपी के लीडर्स और दोनों भाई बताए जा रहे हैं, अनिल परिहार और अजीत परिहार, दोनों की मौके पर मृत्यु हो गई है। अभी जो हमें ताज़ा खबर मिली है, ये दोनों भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए थे। और ख़ास करके बात की जाए अनिल परिहार जी की, तो अनिल परिहार जो है स्टेट सेक्रेटरी किश्तवाड़ में बताए जा रहे हैं कि वहाँ के थे भारतीय जनता पार्टी के। और ये अभी कुछ देर पहले की खबर है जो कि तपल मोहल्ला इलाका है किश्तवाड़ का, जहाँ पर ये गोलीकांड हुआ है जिसके अंदर ये दोनों लोगों की मृत्यु हो गई है, अनिल परिहार और अजीत परिहार, जो अभी तक की खबर आ रही है भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए थे और दुकान करते थे किश्तवाड़ में। अब आखिरकार ये कौन इसके पीछे, अभी तक इसके बारे में कुछ पता नहीं चल पाया, लेकिन किश्तवाड़ में अभी जो है थोड़ा सा प्रदर्शन वगैरह भी चल रहे हैं। और अभी तक की जो हमारे पास ताज़ा अपडेट आया है उसके अंदर यही खबर आ रही है कि दो लोगों की मृत्यु हो चुकी है। हमारे किश्तवाड़ से एक संवाददाता हैं जो कि इस टाइम स्पॉट पर मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे कि क्या ताज़ा हालात है। हमारे साथ अभी फ़ोन लाइन पर जुड़ेंगे अब्बास जो कि किश्तवाड़ से हमारे संवाददाता है, हमें पूरी डिटेल देंगे किश्तवाड़ में कि आखिरकार ये कितने बजे की वारदात है, क्योंकि ये जो अभी अभी खबर आ रही है ये बड़ी खबर है जो आपके साथ में लेके जुड़ा हूँ। खास करके अगर बात की जाए ये अनिल परिहार और अजीत परिहार दोनों भाई और भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए थे, दोनों को जो कि अभी कुछ देर पहले एक गोली कांड हुआ है जिसके अंदर इन दोनों के ऊपर फायरिंग की गई और दोनों की मृत्यु हो गई है। हमारे साथ अभी फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं हमारे संवाददाता अब्बास जो कि किश्तवाड़ से। अब्बास आप मौके पर मौजूद हैं? जी 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 जी, इस वक्त हम मौके पर मौजूद हैं। इस वक्त इनको जहाँ पे इनका मुझे बताइए कि ये कहाँ का बात है, पूरी वारदात कितने बजे की वारदात है, और ये अनिल और अजीत वहाँ पर जब थे तो क्या हुआ था? जी ये अभी ये सर कोई आधा घंटे पहले की बात है, यहाँ पे जी पड़ता है टपल वाला जी, वहाँ की घर की बात है, वहाँ पे हुआ है ये वाक्य जी। तो दोनों ब्रदर थे, उनको किसी ने पास से ही शूट किया है और दोनों की मौके पे ही डेथ हो गई है। तो अभी वहीं पे मौके पर ही कि हॉस्पिटल तक कुछ इलाज वगैरह हो पाया? नहीं नहीं, हॉस्पिटल में इलाज नहीं हो पाया क्योंकि इस वक्त हम हॉस्पिटल में ही हैं, लोग यहाँ पे बड़ा उसका विरोध कर रहे हैं, तो इस बारे में बड़ा एजिटेशन कर रहे हैं लोग इस बारे में। अनिल परिहार और अजीत परिहार दोनों बीजेपी के साथ जुड़े हुए थे, हमें थोड़ी सी इनकी डिटेल दीजिए। हाँ जी जी जी, अनिल परिहार है, ये स्टेट जनरल सेक्रेटरी है बीजेपी के जी, और जो दूसरे अजीत परिहार ये मुलाजिम है एसएसटी में। अच्छा, तो ये अभी ये दुकान वगैरह भी करते हैं कुछ किश्तवाड़ में? अनिल परिहार जो है इनकी अपनी एक दुकान भी है यहाँ पे। तो क्या अभी ये दुकान वगैरह से वापस आ रहे थे जब ये गोली कांड हुआ? इस वक्त का जो ये वाक्य है, उस वक्त ये मार्केट उसी वक्त बंद होती है, उस वक्त क्योंकि आजकल सर्दी का मौसम है और इस मौसम में दुकानें जल्दी बंद हो जाती है, अंधेरा भी जल्दी हो जाता है। तो अभी अभी के क्या हालात है किश्तवाड़ में, लोगों में रोष है, कुछ प्रदर्शन कर रहे हैं क्या? बहुत ज्यादा रोष है लोगों का, हॉस्पिटल में काफी ज्यादा प्रदर्शन हो रहा है इस वक्त। आपकी कोई पुलिस के अधिकारियों से बात हुई है, एसएसपी किश्तवाड़ से किससे बात हुई है? एसएसपी किश्तवाड़ से भी हमारी बात हुई है, लेकिन बड़ी थोड़ी सी ही बात हो पाई क्योंकि वो भी इस वक्त बड़े ज्यादा मसरूफ है, तो उन्होंने भी हमें यही बताया था कि दो डेथ। तो क्या सिक्योरिटी और बढ़ा दी गई है पूरे इलाके में? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सिक्योरिटी के इंतजाम बड़े कड़े कर दिए गए हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ फ़ोन लाइन पे मौजूद थे अब्बास जो कि हमारे जेके चैनल के साथ किश्तवाड़ से हमें पूरा रिपोर्ट देते हैं, और वो अभी मौके पर मौजूद हैं और उन्होंने मौके से पूरी हमें खबर बताई है कि जो ये दो अनिल परिहार और अजीत परिहार दोनों भाई और भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए थे, दोनों की ही मौके पर मृत्यु हो चुकी है और ये एक गोलीकांड हुआ है अभी कुछ देर पहले तपल मोहल्ला किश्तवाड़ में, तपल गली के नाम से भी जानते हैं। और ये अभी तक की सबसे बड़ी खबर है कि गोलीकांड हुआ है, सिक्योरिटी अभी काफ़ी वहां पर बढ़ा दी गई है। और एसएसपी किश्तवाड़ राजेंद्र गुप्ता जी से भी फ़ोन पे उनकी बातचीत हुई, उनसे मुलाकात हुई, लेकिन अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाया कि आखिरकार ये फायरिंग किसने की है, क्या ये कोई आतंकी घटना भी हो सकती है, इसके बारे में अभी तक कोई बात भी क्लियर नहीं हुई है। लेकिन दो लोग अनिल परिहार और अजीत परिहार दोनों भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स बताए जा रहे हैं। अनिल परिहार तो स्टेट सेक्रेटरी भारतीय जनता पार्टी के साथ और काफ़ी पुराने जुड़े हुए थे भारतीय जनता पार्टी के साथ, और दोनों जो है
भाई बताए जा रहे हैं जिनकी जो है मौके पर मृत्यु हो गई है। अभी किश्तवाड़ में थोड़ा सा हालात जो हैं गंभीर बने हुए हैं क्योंकि लोग जो हैं इस टाइम सड़कों पर हैं और प्रदर्शन भी कर रहे हैं। हमारे संवाददाता लगातार इस खबर के ऊपर बने हुए हैं, जो आपको अपडेट हम लोग जो भी रहेगा इस खबर का वो हम आपको इसी तरह से देते रहेंगे। लेकिन अभी अभी बस कुछ देर पहले ही ये खबर आई है किश्तवाड़ इलाके से कि दो लोग अनिल परिहार और अजीत परिहार जो हैं जिनकी मौके पर मृत्यु हो गई है। मैं एक बार फिर से कोशिश करूंगा अब्बास के साथ बात करने की कि अब्बास हमें एक बार फिर से फ़ोन लाइन पे पूरी डिटेल दें, क्योंकि अभी कुछ खबर जो है अभी पूरी तरह से नहीं आ पाई है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि अब्बास जो हैं हमारे साथ बात करेंगे एक बार फिर से, क्योंकि एक बड़ी खबर आ चुकी है किश्तवाड़ इलाके से, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही जिस तरह से अनिल और अजीत दोनों को गोली मार दी गई है और ये तपल मोहल्ले की वारदात है जहाँ की पूरी अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ किश्तवाड़ इलाके की। ये सबसे पहले आपको हम जेके मीडिया पर खबर दे रहे हैं, बड़ी खबर है। हालांकि हमारे संवाददाता लगातार इस खबर पर बने हुए हैं और हम आपको इस खबर के ऊपर फर्दर और भी अपडेट देंगे, क्योंकि ये जो अभी अभी तपल मोहल्ले इलाके में पूरी वारदात हुई है जो हम आपको अपडेट दे रहे हैं, अनिल परिहार और अजीत परिहार दोनों भारतीय जनता पार्टी के नेता, और ख़ास करके बात की जाए जिस तरह से ये अभी पंचायत इलेक्शन भी आने वाले हैं तो शायद किसी तरह का कोई बड़ा खतरा ना हो, क्योंकि जिस तरह से ये एक खबर आ रही है जो हम आपको किश्तवाड़ से दे रहे हैं जिसमें अजी अब्बास आप एक बार फिर से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। अब्बास आप सुन पा रहे हैं? जी। अब्बास एक चीज़ और जानना चाहेंगे, लोगों से जो आपकी बात हुई है लोगों में रोष है, क्या लोग क्या बात कर रहे हैं? सर अभी इस तरह है कि अभी हम बिल्कुल लोगों के पास नहीं पहुंच पा रहे हैं, जो वहां पे जो हॉस्पिटल में जो टेंट्स बना हुआ है बड़ा ज्यादा सिचुएशन इस वक्त, क्योंकि पुलिस पीछे ही रोक रही है सबको, आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। ये अब्बास जो जिस जगह पर ये गोलीकांड हुआ है तपस गली है, जो तपल गली है, यहाँ पर क्या भागने का जिस तरह से जिन्होंने फायरिंग की है वो क्या आपको क्या लगता है कि किस वहाँ पर भागने की, क्या दोनों साइड से गली खुली हुई थी या फिर इजीली वो वहाँ से निकल सकते हैं, आपको क्या लगता है? जी बिल्कुल सर, वहाँ से भागने के काफी रास्ते हैं जी, वहाँ से आया जा सकता है जी। इस वक्त लोग काफी प्रदर्शन कर रहे हैं हॉस्पिटल में, अंदर काफी हंगामा हो रहा है जी, किसी को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, तो हम भी बाहर वेट कर रहे हैं कि किसी सोर्स से जाके किसी हमें पूरी डिटेल। अब्बास अनिल के साथ आपका हमने कई बार फोन लाइन कट गई, हम एक बार फिर से कोशिश करेंगे अब्बास के साथ बात करने की कि आखिरकार अनिल के साथ इनका काफ़ी बार, अनिल परिहार जी के साथ काफ़ी बार इनके इंटरव्यूज़ भी होते रहे हैं कि आखिरकार किस तरह के आदमी थे, भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए थे, किस तरह से किश्तवाड़ में भी काम कराया, क्योंकि आपको याद होगा कि जब मचेल यात्रा जो है किश्तवाड़ से जब भी निकाली जाती है तो जब भी कभी मचेल यात्रा पर भी या फिर कभी रोकी जाए या फिर किसी तरह की कोई दिक्कत आए तो अनिल परिहार ने काफ़ी काम किया था, इसके ऊपर भी बातचीत कई बार हम सुनते रहे हैं। अनिल परिहार काफ़ी पुराने लीडर बताए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। अब्बास एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, अनिल परिहार के साथ हमने आपके काफ़ी इंटरव्यू देखे हैं, किस तरह के आदमी थे और किस तरह की बातचीत आपकी कई बार होती रही है उनके साथ? सर बड़े अच्छे माहौल में बात होती रही उनके साथ हमेशा जी। इस वक्त यहाँ पे थोड़ा सा माहौल थोड़ा खराब हो गया, इसकी वजह से हमें यहाँ से भागना पड़ रहा है जी, तो लोग काफी गुस्से में है। बिल्कुल गुस्सा जायज ही है अब्बास, बिल्कुल। वो काफी अच्छे इंसान थे जी, उनके साथ हमने इंटरव्यू भी किया है काफी बार। अब्बास अभी कौन कौन से अधिकारी और पहुंचे हैं मौके पर? सर पुलिस के सारे अधिकारी, बड़े अधिकारी यहाँ पे हैं इस वक्त, एसपी साहब से लेके जो डीएसपी हैं, हेडक्वार्टर वगैरह सभी यहाँ पे। चलिए आप पूरे मौके पर नजर बनाए रखें अब्बास, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अब्बास जुड़े थे फोन लाइन पे और इन्होंने पूरी डिटेल हमें दी है, हालांकि लोगों का गुस्सा भी जायज है जिस तरह से खुलेआम दो हमारे बीजेपी के लीडर्स के ऊपर, जो अनिल परिहार और अजीत परिहार है दोनों के ऊपर जिस तरह से हमला होता है और उसके बाद दोनों की मृत्यु हो जाती है तपल मोहल्ला, जिस तरह से तपल गली के नाम से कहा जाता है, और जिस तरह से कह रहे हैं कि वहां से निकलने के काफ़ी सारे रास्ते हैं, तो अब सिक्योरिटी पूरी इन्वेस्टिगेशन करेगी कि आखिरकार इस गोलीकांड के पीछे कौन है। लेकिन ये सबसे बड़ी खबर है अभी किश्तवाड़ से जो आ रही है, जो हम आपको जेके मीडिया पर लाइव अपडेट दे रहे हैं। आप लोग देखते रहें जेके मीडिया। आशीष कोहली, कैमरामैन अशोक चल्होत्रा जी के साथ जेके मीडिया के लिए।